मानसी प्रखंड में कराए गए मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव में पश्चिमी ठाडा पंचायत के पूर्व मुखिया नरेश प्रसाद सहनी के अध्यक्ष पद पर विजय घोषित हुए। वहीं मंत्री पद के कराए गए चुनाव में नरेश सहनी की पत्नी नीलम देवी ने बाजी मारी। आपको बताते चले कि मानसी प्रखंड के जनता हाईस्कूल में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया गया, तो वहीं मतगणना भी शांतिपूर्वक कराया गया। कुल 691 मतदाताओं में से 407 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें नरेश प्रसाद सहनी और श्रवण सहनी थे। जहां कराए गए मतदान में नरेश सहनी को 242 मत प्राप्त हुआ, तो वहीं श्रवण सहनी को 128 मत प्राप्त हुआ। और जहां निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मानसी श्याम किशोर शर्मा ने नरेश सहनी को अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित किया, जबकि मंत्री पद के लिए तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े थे, नीलम देवी, सुरेंद्र सहनी एवं विदो सहनी। कराए गए मतगणना में नीलम देवी 220 मत प्राप्त हुआ, तो वहीं सुरेंद्र सहनी को 109 मत प्राप्त हुए, जबकि विदो सहनी को 50 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार निर्वाचित पदाधिकारी श्याम किशोर शर्मा ने नीलम देवी को विजय घोषित कर नरेश प्रसाद सहनी और नीलम देवी को विजय होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इधर विजयी होने पर नरेश सहनी ने बताया कि मछुआरों विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।